Hello everyone, welcome to the series of Let's Solve Paper. This is Utkarsh Bhargav and in this video, we are going to solve the paper of APJ Noida and this is set A. Now, this is the UT of APJ which recently happened and let's get started with the very first question. The very first question is an ARQ, Assertion Reason Question. Guys, ARQs ko leke maine dekha hai ki maximum bachcho ko kuch confusion rehti hai. सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो यही होती है कि सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कैसे हम सेलेक्ट करें, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. बट उससे पहले एक बड़ी बेसिक सी बात कि इफ आइदर ऑफ देम अजर्शन और रीजन में से अगर एक भी इनकरेक्ट है तो आपका काम तो हो गया वहां पर, राइट? क्योंकि उस केस में या तो आंसर होगा ऑप्शन सी या फिर होगा ऑप्शन डी, राइट? तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो ARQ के अंदर पूछा गया है. So let's take a look at this question only. This question is about that notes and coins are not the only source of money supply in the economy. कि money supply में केवल notes और coins ही नहीं आते हैं. तो सबसे पहले तो आपके पास knowledge होनी चाहिए. What is this money supply? So guys, money supply is the total stock of money held by the public in the form of C means cash and coins and DD demand. Deposits. तो मनी सप्लाई आपके क्या होता है? M is equals to C plus DD. तो पहली स्टेटमेंट तो फिर बिल्कुल सही है कि मनी सप्लाई में सिर्फ कैश और कॉइन्स ही थोड़ी ना होते हैं. तो देखते हैं रीजन में क्या लिखा हुआ है. द रीजन इज सेइंग डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. ये भी वैलिड है एंड दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. तो वही वाली बात कि सर अगर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कैसे सेलेक्ट करें. तो गाइस एक छोटी सी मेरे पास बेसिक सी ट्रिक है. ये ट्रिक आपको शायद तब हेल्प करेगी जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग हो. जैसे ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको फील ही ना हो कि यार क्या ये करेक्ट रीजन हो सकता है, तब आपके पास गेस करने के लिए एक ही छोटी सी ट्रिक बचती है और वो क्या है कि आप अपने अजर्शन को पूरा रीड करें और रीजन को रीड करने से पहले लगा ले बिकॉज. कैसे जरा करके देखते हैं. नोट्स एंड कॉइन्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. तो पूरी ही पिक्चर परफेक्ट स्टेटमेंट बन गई. सो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज अगेन ARQ. Assertion क्या है इसका? The goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence. It should be post-independent India. तो क्या ये statement ठीक है कि ये जो goal था उनका equitable distribution का क्या वो achieve हुआ? No, guys, this assertion is false. अब irrespective of the reason की reason में क्या लिखा हुआ है, we know the answer that assertion A is false and R is true. लेकिन इसका reason पढ़े आप, reason में जो ठीक statement होनी चाहिए थी उसी का reason लिखा हुआ है. That big landlords challenged the land ceiling legislation, delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation. सिंपल सी बात है कि किसी ने कई सालों में जो कमाया था वो एकदम से ही किसी को तो नहीं दे देंगे, भले ही वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, राइट? तो दैट इज व्हाई योर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री. ये एक अलग टाइप है, इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं और ऑप्शंस भी इसके अलग होते हैं. और हाँ, यहां पर सिर्फ एक के गलत होने से काम नहीं चलेगा कि आप एक गलत देखा चलो ऑप्शन ढूंढते हैं. तो यू हैव टू रीड बोथ द स्टेटमेंट्स. तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ओनली. आप खुद बताएं क्या मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ मतलब यह होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो? क्या यही है मॉडर्नाइजेशन? गाइस मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी या नई प्रोडक्शन मेथड यूज करना नहीं होता है, इसके अंदर आपका सोशल आउटलुक भी आता है. मॉडर्नाइजेशन आप इस चीज से भी देख सकते हैं कि इज देयर एनी चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ द सोसाइटी. व्हाट इज सोशल आउटलुक? समाज को देखने का नजरिया. एक ऐसी सोसाइटी जहां पर बायसनेस ना हो, ना कास्ट को लेके ना जेंडर को लेके, वो है मॉडर्नाइजेशन.
है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से क्या हो गई है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट टू क्या कह रही है, टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट वर्क प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 100% ट्रू है, राइट। आफ्टर ऑल फेमिनिज्म रॉक्स, है ना। सो योर स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, राइट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अगेन मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अच्छा, यहां पर कुछ बातें हैं जो आप बच्चों के साथ यहां पे डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। मैंने एक बात देखा है कि क्लास ट्वेल्थ में सबसे ज्यादा जो बच्चे इंडियन इको को लेके डरे रहते हैं, वो एक ही डर होता है उनका, वो होता है डेटा। कि सर आई कैन क्रिएट द कॉन्टेंट, इफ आई नो द कॉन्सेप्ट, इफ आई हैव द नॉलेज, आई कैन क्रिएट द कॉन्टेंट, बट सर वॉट टू डू विद द फिगर्स, विद द स्टैटिस्टिक्स, विद द डेटा। Guys, I am openly saying this, being a CBSC evaluator, we do not assess the data. Ye clearly humko instruction di jati hai. Right? I am openly disclosing this. Lekin haan, data-based question jo aate hain, usme data aapko given hota hai and they ask you that what is the trend you notice and what are the causes. तो कोई भी आप चैप्टर में जब कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक देख रहे हैं, सो वन यू शुड नो द ट्रेंड एंड सेकंड यू शुड नो द रीजन बिहाइंड द ट्रेंड। जैसे आपका आगे एक चैप्टर आएगा जहां पर आप बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। अब वहां पर आपकी बात क्या होगी कि इंडिया में ये बताओ कि आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों ग्रो कर रहा है। या आपके पास डेटा होगा कि फॉर्मल सेक्टर श्रिंक कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा हो रहा है, एंड द क्वेश्चन वुड बी आस्किंग यू द कॉजेस, राइट। तो डेटा याद करने के पीछे मत भागो, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि हाँ जनरली ये ट्रेंड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और उसके कॉजेस पता होने चाहिए, वो आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे सामने जो आपके स्क्रीन पर है वो है आपके ईयर्स, ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और बिलीव मी, आप अगर अपनी क्लास ट्वेल्थ की जर्नी में सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो, प्रॉपर सैंपल पेपर्स कर रहे हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, हम इतने सारे भी पेपर्स लाने वाले हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते रहेंगे जहां पर ये इंपॉर्टेंट ईयर्स को डिस्कस किया गया है, राइट। तो ये अपने आप ही आपको ओवर टाइम याद होते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। The question is about the important events and important years. So the first industrial policy, guys, India ki pehli industrial policy aayi thi 1948 mein, jisko further revise karke next launch kiya gaya tha under IPR 1956, industrial policy resolution, jab India ka second 5-year plan launch hua tha. So first industrial policy is 1948 and it is here. नेक्स्ट इज सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन। इंडिया का प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था गाइस मार्च 1950 में, राइट। और मैं आपको क्वेश्चंस से रिलेटेड फर्दर कुछ क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा, एंड आई नीड ऑल द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी के लिए क्वेश्चन आपका यह है दैट हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू इज राइट नाउ इज प्लानिंग कमीशन फंक्शनल, इफ नॉट then what is the name of the new body, okay? So let me see who will answer these two questions. So planning commission kab set up hua, March 1950 mein guys, so this is the answer. India ka pehla 5-year plan kab launch hua, 1951 mein. Next question, what was the theme of India's first 5-year plan? Let's see who will answer this question. Then last comprehensive industrial policy replacing the first industrial policy, clearly the answer is 1956 when we started our second 5-year plan. Ek yahan par question ye bhi banta hai that what was the theme of the second 5-year plan. To sare question main aap hi se nahi puchunga, ek question ka answer main bhi kar deta hu. And the theme was, I hope you guess it right,
The answer is industrialization. Right? चलिए तो अच्छा हमारा इसका आंसर क्या बना डी का फर्स्ट सी का इज योर सेकेंड सो आई गेस ऑप्शन ए इज करेक्ट राइट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ शायद आप बच्चों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होगा इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्वेश्चन यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल फ्लो What is real flow? Real flow क्या होता है guys? Guys, circular flow of income जो है वो दो parts में divided है एक होता है real flow, एक होता है money flow. Real flow में आता है आपका केवल physical flow. और ये शुरू कहां से होता है Household से सबसे पहले household क्या देता है Household देता है factor services. जैसे क्या Land, labor, capital and entrepreneur. ये हाउसहोल्ड से चल के फर्म के पास जाते हैं राइट और आई गेस ये इस डायग्राम में बना होगा देखिए फैक्टर सर्विसेज और फर्म क्या करता है फैक्टर सर्विसेज का यूज करता है किस लिए प्रोडक्शन के लिए ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज राइट और ये कहां जा रहा है हाउसहोल्ड के पास तो ये गुड्स एंड सर्विसेज चले जाते हैं हाउसहोल्ड के पास तो इतने फ्लो को जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है आप रियल फ्लो को ध्यान से देखें गाइस तो उसमें कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं कर रहा है वहां से फैक्टर सर्विसेज गए फर्म के पास और फर्म ने उसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना के वापस हाउसहोल्ड को दे दिए तो इतने फ्लो का हम रियल फ्लो का नाम देते हैं और हमारा जो आंसर है यहां पर वो है ऑप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड Do you agree with the given statement? Yes, we do agree, right? Justify your answer with a suitable numerical example. So, I believe कि सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा important topic है. इसमें मैंने एक mistake देखी है students की कि एक word दिख गया उनको क्या? Credit creation. ये एक word दिख गया. क्या करेंगे? पूरा credit creation वहाँ पे छाप देंगे. जो उनको पढ़ने को मिलता है कि हाँ ये explanation होती है ये पूरी आपकी फंक्शनिंग होती है मल्टीप्लायर की राइट मनी मल्टीप्लायर की तो यहां उसका सिर्फ एक पार्ट आपसे पूछा गया है और वो पार्ट है कि रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में एक नेगेटिव रिलेशन होता है इसको प्रूव करके दिखाओ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से तो गाइस उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है देखिए क्रेडिट क्रिएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज योर मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ क्या फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का इट इज 1 बाय योर रिजर्व रेशियोज तो आप यहां पर इनिशियल डिपॉजिट की कोई एक वैल्यू ले लो और रिजर्व रेशियो की वैल्यू उसको चेंज करके दिखा दो हो जाएगा प्रूफ कि देखो इनमें इनवर्स रिलेशन है कैसे जरा मैं आपको करके दिखाता हूं तो एक बार मैंने रिजर्व रेशियो की वैल्यू ले ली है 0.5 और इनिशियल डिपॉजिट की मैं एक ही वैल्यू लेकर चल रहा हूं दैट इज 1000 राइट तो 1/0.5 इज 10/5 यानी कि 2 सो 2 × 1000 इज 2000 और एक बार मैंने इसकी वैल्यू ले ली है 0.2 इनिशियल डिपॉजिट वही सेम 1000 तो 1/0.2 अगेन 10/2 इज 5 सो 5 × 1000 इज 5000 तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि देखो जैसे ही रिजर्व रेशियो की वैल्यू गिरी रिजर्व रेशियो की वैल्यू जैसे ही गिरी फ्रॉम 0.5 टू 0.2 आपके क्रेडिट क्रिएशन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई फ्रॉम 2000 टू 5000 राइट तो ये आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया और उसके बाद आप थ्योरेटिकली इसको जरूर एक्सप्लेन करें राइट एक चीज गाइस ये तो अभी यूटी है और अभी पूरी जर्नी क्लास 12th की आपकी बाकी है एक चीज पर आपको बहुत फोकस देना है और वो है प्रेजेंटेशन मैंने देखा है कि बच्चों के दिमाग में थॉट होता है कि हाँ ठीक है इसका आंसर ये करना है लेकिन कैसे करना है एंड हाउ टू स्कोर फुल उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बच्चे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करने में वहां पर हम थोड़ा स्पेशल अटेंशन दें सो This question is done. Now let's take a look at question number 7th, a very, very popular type. This type is about the treatment of the following while estimating the national income.
तो नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इनका क्या होगा, इस बारे में ये क्वेश्चन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इनफैक्ट मैं इस पर्टिकुलर टाइप के लिए आपको ये भी बोलूंगा कि बोर्ड में नेशनल इनकम से दो क्वेश्चंस आप जरूर एक्सपेक्ट करें, एक ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल और दूसरा है ये वाला टाइप। तो इसके आप जितने केसेस कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर आपको सारे ही केसेस लगभग मिल जाते हैं, क्योंकि सबका मटेरियल मोर और लेस सेम ही है। तो एक भी केस इसमें छूटना आपका नहीं चाहिए, राइट? तो जरा यहां पर जो गिवन है उनको देखते हैं। द फर्स्ट केस इज पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। तो स्कूल ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है वो क्या है, वो है स्कूल के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यूएटेड मेथड वी शुड नॉट इंक्लूड इट। कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है वो आप कभी भी इंक्लूड नहीं करते हो। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स से रिलेटेड गाइस एक बड़ी बेसिक सी बात है, शेयर्स आर मेयर पेपर क्लेम्स। अगर आप शेयर्स की कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं नॉट इंक्लूडेड। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर मेयर पेपर क्लेम्स, राइट? शेयर्स को खरीद के बेच के आपने कोई प्रॉफिट कमाया वो भी इंक्लूड नहीं होगा। क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज दैट इज अ कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन है वो, नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दैट डू नॉट एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, राइट? आपने एक दिन में एक शेयर 10 बार खरीदा 10 बार बेचा, उससे मार्केट में चल रहे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में क्या चेंज आया? कुछ नहीं। सो नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो इट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, ये भी इंक्लूडेड नहीं था, सेकेंड भी नॉट इंक्लूडेड। सी, फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन फार्म ओन्ड बाय द फैमिली। फैमिली ओन करती है और फैमिली मेंबर्स उसमें काम करते हैं, तो उसका क्या, उसका क्या इंक्लूड होगा गाइस? इंप्यूटेड सैलरीज। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप ये बोलेंगे सर फैमिली मेंबर्स है वो तो ऐसे ही जाके काम कर रहे हैं। जस्ट टेल मी, इफ नॉट फार्मिंग, इफ दे वर इन्वॉल्व इन एनी अदर बिजनेस, राइट? कि उनका एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट स्पेस है, ऑफिस है, रोज फैमिली वाले उठ के जाते हैं वहां पर काम करते हैं, तो उनकी भी तो अपनी कोई सैलरी बनती है, राइट? विच दे विल ड्रॉ फ्रॉम द कंपनी। सो गाइज इन दिस केस योर आंसर वुड बी येस, देयर इंप्यूटेड सैलरीज विल बी इंक्लूडेड। अब कई बार बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द टर्म सैलरी, व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इंप्यूटेड सैलरी। इंप्यूटेड सैलरी का मतलब ये होता है गाइस कि अगर आप बाहर से भी किसी को हायर करते उसको भी जो आप देते वो भी तो आपके इस फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट उसकी इतनी इंप्यूटेड सैलरी बनती है जिसे आपको इंक्लूड करना चाहिए। इट इज एज सेम एज इंप्यूटेड रेंट। आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्यूटेड रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट? सो यस, द इंप्यूटेड सैलरीज विल बी इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 December 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ ऑफ रुपीज 8710 crores इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 weeks टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी। Identify the likely cause and consequences behind this type of action plan of RBI. तो सबसे पहली चीज गाइस, the question is talking about sell and purchase of government securities. तो कौन बताएगा मेरे को? चलो next question, comment box में लिखें कि government securities के sell purchase वाली चीज कौन से central bank के function का part है, right? Let's see कौन ये बताएगा, because that is something which is done by the central bank and that is a part of monetary policy as well. So, तो ये security sale purchase कौन करता है? Central bank करता है। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं कब बाय करते हैं कब सेल करते हैं, अपने को कुछ समझ में नहीं आता। So I have got a very simple hack for this. Guys, आप खुद को समझो central bank, आप खुद हो central bank और आप यहां पे क्या ट्रेड कर रहे हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज जस्ट अगेन अ मेयर पेपर, नथिंग एल्स, पेपर है और कुछ भी नहीं है। अब तुमने अगर वो पेपर बेचा, यानी कि आपने वो पेपर पब्लिक को या इकोनॉमी में बेचा, तो आपके पास से क्या गया? पेपर। और आपके पास क्या आया? पैसा, इंडियन रूपी। तो ये क्या हुआ, ये लीकेज हुई या इंजेक्शन हुई? ये क्या हुआ,
आपने पेपर बेचा, लोगों का पैसा आपके पास आया, ये क्या हुआ? कंट्री के लिए लीकेज। तो तुमने एक्चुअली कंट्री से पैसे की वॉल्यूम गिरा दी। तो बताओ कंट्री में क्या चल रहा होगा, कॉज क्या है इस बात का, कंट्री में क्या चल रहा है? तुमने पैसे की वॉल्यूम गिराई है, क्यों गिराई? कंट्री में पैसा ज्यादा था, तो क्या था कंट्री में? इन्फ्लेशन, है ना? सो दैट वॉज द कॉज कि कंट्री में इन्फ्लेशन था, इसीलिए आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची, राइट? और आरबीआई ने पैसा खुद ले लिया। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो उससे लिक्विडिटी फॉल करेगी, कि जैसे ही लोगों के पास से पैसा आरबीआई के पास मूव किया तो लिक्विडिटी गिरेगी और मार्केट में पैसे की वॉल्यूम हो जाएगी कम, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आपका कूल ऑफ हो जाएगा। गाइस, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको दो अलग बातें पूछी हुई है ना, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन टू डिफरेंट पैराग्राफ्स। एक में मर्ज कर दोगे ना तो बहुत खिचड़ी बन जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। हम पेपर चेक करने के लिए जाते हैं सीबीएसई को, बच्चों ने सब कुछ ही एक आंसर में घुसा रखा होता है। थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, और जैसा कि आपको पहला स्टेटमेंट में दिख रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें कि सिंस दे हैव सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लिक्विडिटी, राइट? एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ आरबीआई टू डू दिस एक्टिविटी। तो कॉज बताएं कि कंट्री में इन्फ्लेशन था, और कॉन्सिक्वेंस की उसकी वजह से लिक्विडिटी कम होगी और मार्केट में आपका इन्फ्लेशन गिरना चालू हो जाएगा। तो ये दो अलग बातें हैं, दो अलग सवाल हैं, और दो अलग पैराग्राफ आपके होने चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, जो कि है एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, कौन से मेथड पर बेस्ड है, ये दिख रहा है ना, GVA, तो वैल्यू एडेड मेथड। क्या है? Suppose in a hypothetical economy there are two firms A and B. Firm A sold for rupees 2000 to firm B and purchased goods for rupees 1000. Right? अब अगर हम यहां पर पहले firm A का, so guys you should know the right presentation. तो जरा इसकी हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी साथ में देखते चलते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं यहां पर निकाल रहा हूं फर्म ए। ओके, सो आई कैन राइट ओनली हियर। सो फर्म ए का मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करता हूं। तो VOO स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे आप प्यार से कई बार GVO भी बोल देते हो, है ना? तो वही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहां पर फर्म ए की सेल्स का गिवन है 2000, क्या कोई चेंज इन स्टॉक गिवन है? नहीं, तो वो हो गया जीरो। अगला स्टेप क्या होता है, इज टू फाइंड आउट GVA एट MP, कि फर्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। अब वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? VOO माइनस IC, है ना? IC इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना IC के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कूल का, तो VOO माइनस IC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं गाइस, वीडियो को पॉज करके जिस सेकंड पे मैंने वो क्वेश्चन पूछा है वो सेकंड आप टाइप करके, राइट, वो मिनट वो सेकंड टाइप करके इस क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिए, राइट? सो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि बताओ आईसी माइनस क्यों होता है। लेट्स सी हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो माइनस आईसी यहां पर क्या है, फर्म ए ने सेल्स करी है 2000 की और उसने परचेज किया है 1000 रुपए का सामान, तो वो हो गई उसकी आईसी। तो 2000 माइनस आईसी इज फाइनली 1000। तो GVA MP ऑफ फर्म ए इज 1000। सिमिलरली हम करेंगे फर्म बी के लिए भी। फर्म बी का सबसे पहले हम निकालते हैं VOO। तो फर्म बी ने एक्सपोर्ट किया है 2500 और सेल्स करी है 1500, तो उसकी डोमेस्टिक सेल्स। तो गाइस, जब आपके पास एक्सपोर्ट गिवन है तो उसको सेल्स का पार्ट तभी माना जाएगा जब वो डोमेस्टिक सेल्स के साथ गिवन हो। अगर आपके पास मान लीजिए केवल सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट्स गिवन है, तो एक्सपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स का मतलब है कंप्लीट सेल्स, राइट? तो डोमेस्टिक सेल्स स्पेसिफिकली लिखा है, तो इसलिए आप एक्सपोर्ट्स को भी ऐड यहां पर करोगे। सो आपकी सेल्स में क्या आ गया, 2500 प्लस 1500। So we don't have any change in stock here. So only sales plus change in stock is zero. So that comes out to be 4000. So ab nikal dete hain hum firm B ka GVA MP. So that is VOO minus IC. So VOO is 4000.
अब हमारे फॉर्म बी के लिए आईसी क्या हुआ? फॉर्म बी के लिए आईसी वो है जो उसने फॉर्म ए से खरीदा था। गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्म अगर दूसरी फॉर्म को कुछ भी बेचती है तो बेचने वाले के लिए वो सेल्स है, लेकिन खरीदने वाले के लिए वो क्या बन जाएगा? आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उसने फॉर्म ए से कितने का खरीदा था? 2000 का, है ना, क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ था ना, तो दैट इज माइनस 2000, वैल्यू क्या मिलेगी आपको फाइनली 2000। तो अब आपके पास दोनों फॉर्म का जीवीए रेडी है, राइट। क्वेश्चन में आपको तीसरी चीज भी निकालनी है, वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एनडीपी। अब सर ये एनडीपी कैसे निकलेगा? गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास अलग अलग यूनिट्स के जीवीएस गिवन है तो जीवीएस को ऐड करके आपको क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ जीवीए एमपी, राइट। अब कई बार ना बच्चों को बड़ी बेसिक बेसिक बातें पता नहीं होती, बस क्या है ऊपर से रटते चलते हैं। अब जैसे हम कई बार दूसरे स्कूल्स में प्रैक्टिकल लेने के लिए जाते हैं तो ये चीज बहुत देखते हैं कि बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, फॉर्मूलाज वगैरह सब रट के बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई बेसिक सी बात पूछ लो, जैसे अभी मैंने पूछा बताओ आईसी माइनस क्यों करते हैं, राइट। आई होप कि अभी तक कुछ लोगों ने आंसर कर दिया होगा, दैट इज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, है ना। नाउ यहां पर जीवीए का सिग्निफिकेंस क्या होता है? जीवीए का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपने आप अपनी कंट्री को दो या तीन सेक्टर्स में या से इंडस्ट्रीज में बांटा है या फर्म्स में बांटा है तो एक स्पेसिफिक यूनिट ने कंट्री की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो बताता है आपको जीवीए। बात समझ में आई? कि जैसे अगर मैं मान लूं कि मैंने कंट्री को तीन हिस्सों में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब मेरे को चेक करना है कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो मैं क्या निकालूंगा? प्राइमरी सेक्टर का जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना ऐड किया इन द जीडीपी। और ऐसे ही जब मैं तीनों सेक्टर्स का जीवीए उठाकर ऐड कर दूंगा, आई विल गेट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ऐसा ही इस क्वेश्चन में, आपके पास फर्म ए और फर्म बी का जीवीए रेडी है, दोनों को कर दो ऐड। सो जीवीए, so it is GVA MP of firm A plus GVA MP of firm B will give you what? GDP MP of the country. So which is 2000 plus 1000. So that comes out to be rupees 3000. Lekin abhi bhi final answer nahi aaya. The question has asked you NDP MP. So chalo, golden rules. आई होप कि आप सब बच्चों को नेशनल इनकम के गोल्डन रूल्स पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो मेरे को क्या निकालना है? एनडीपी एमपी। हम कहां पर हैं? जीडीपी एमपी पे। तो चेंज तो सिर्फ एक ही हो रहा है, आप सिर्फ ग्रॉस से नेट पे मूव करेंगे, है ना। अब ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट छोटा कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। तो 3000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? गिवन है यहां पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 200। अच्छा उससे याद आया, फाइनल आंसर हमारा 2800। कोई करेंसी गिवन है? रुपीज है, कोई यूनिट गिवन नहीं है, तो रुपीज 2800 इज आर फाइनल आंसर। उससे एक और क्वेश्चन याद आया, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए डेप्रिसिएशन के कितने ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको पता है? दो तो हो गए यहां पर, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि डेप्रिसिएशन के और ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। लेट्स सी कौन इसका आंसर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूटी। सो आई एम जस्ट you can pause the screen here, you can read the entire paragraph and then you can move on to the questions. Chaliye, question number 1 par aate hain. The adoption of HYV seeds necessitated changes in farming techniques. Explain. Ki HYV seeds ke adoption ki wajah se bahut sari cheez aur necessary ho gayi thi. Jaise kya? Jaise ki aapka use of chemical fertilizers, use of chemical pesticides, use of new modern machineries, right, which requires more capital.
तो ये इसके साथ और नेसेसिटेट होता चला गया था, जो कि आपको यहां पैराग्राफ में देखने को मिलेगा आंसर, राइट? दैट इज ऑल्सो अंडरलाइन बाय द स्टूडेंट हियर. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. Did implementation of green revolution in India benefit all farmers? Give reason for your answer. क्या लगता है आपको? Green revolution की वजह से इंडिया के सारे farmers को फायदा हुआ? No, guys. And you should know, let me tell you, that's an important question. You should know the demerits of green revolution. जिसमें से एक popular demerit ये है आपका. और ये demerit का नाम क्या है? Partial removal of poverty. कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉवर्टी का एलिवेशन हुआ, रिमूवल हुआ, लेकिन वो पार्शियल रिमूवल हुआ. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टेकन बाय द फार्मर्स फ्रॉम दोज एडवांटेज्ड स्टेट्स लाइक योर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. ऐसी स्टेट के फार्मर्स को ज्यादा फायदा मिला, राइट? तो उसकी वजह से क्या आपको रीजनल इनइक्वालिटी देखने को बढ़ती हुई देखने को मिली. लेकिन वो एरियाज जो कि ड्रॉट प्रॉन थे, राइट, उनको कभी फायदा नहीं हुआ. वो स्टेट्स जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन को फेवर करने वाली क्रॉप्स ही नहीं उगाई जा सकती थी, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं करता. बाय द वे, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कितनी क्रॉप्स आई थी, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए. ग्रीन रेवोल्यूशन में, मैं हिंट दे देता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन में आई थी केवल 5 क्रॉप्स. कौन सी है जरा कमेंट बॉक्स में इसको बताइए आप लोग. ओके, तो बिल्कुल ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके बहुत सारे फार्मर्स पीछे लैग कर गए थे, आपको रीजनल इनइक्वालिटी और आपका पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिला था. और मैंने आपको बता दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के डीमेरिट्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो एटलीस्ट 4 डीमेरिट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Justify the following statement with valid explanation. The question is, green revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stocks that could be used during the time of shortage. By the way, aise stock ko kya naam dete hain hum log? Buffer stock, right? Ek cheez main hamesha kehta hu guys ki aapko board ke paper mein bhi ek aadha question aisa dikh jayega jo free ke marks honge. यानी कि क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन है, यू जस्ट नीड टू सपोर्ट इट विद सम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ ये कि इतना सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया कि वो सब एफसीआई ने प्रोक्योर करना शुरू कर दिया एंड एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट? तो ऐसा आपको एक आधा क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल जाएगा जो होते हैं एकदम फ्री के मार्क्स. बस हाँ, थोड़ा सा रिलेटेबल कंटेंट लिख दो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू माइट स्कोर फुल. चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. आत्मनिर्भर भारत हैड बीन एट द रूट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, वी डू. जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. गाइस, self-reliance was one of the prime objective of our early planning. Aur uske liye we also introduced some instruments. Those instruments were tariffs and quotas, right? So the idea was basically to give a protected environment to our domestic producers. Aur protection kis se? Protection thi outsiders se. Ki wo apna jo ek international brand वैसे ही क्वालिटी का प्रोडक्ट यहां लेकर आएंगे तो यहां के लोग इंपोर्टेड गुड को लेकर तो वैसे ही इतने क्या अट्रैक्टेड रहते हैं. इंपोर्टेड मतलब अच्छा और लोकल मतलब घटिया, राइट? ये हमारा माइंडसेट है कि लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है? जो आपके नियर बाय में प्रोड्यूस हो रखा हो. बट लोकल का मतलब लोग क्या समझते हैं? तो घटिया प्रोडक्ट है. और इंपोर्टेड मतलब बढ़िया प्रोडक्ट है. ऐसा नहीं होता है. तो यहां अर्ली प्लानर्स ने टैरिफ्स एंड कोटास, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने की कोशिश करी थी. टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स आर द टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, राइट? और कोटा क्या है आपका? द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट, राइट? द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अलाउड, कि आप कितना क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकते हो, वो है कोटा. तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उन्होंने सेल्फ रिलायंस को अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया था.
राइट, तो आपको यही दो इंस्ट्रूमेंट इसमें एक्सप्लेन करने हैं. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय, टेक केयर.